आपने हमने तो क्या चुना शादी के लिए? वोट दिया। दिया आपने हमें। मनुष्य को मनुष्य में भेद नहीं करना चाहिए। तो आप तो मैंने लड़की निश्चित तुम्हें ढूंढी है। ठीक है, हाथ मिलाइए सर। आज आपको एक ऐसा वाक्य बताने जा रहे हैं, एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर सुनकर आप भी हंस पड़ेंगे, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। ड्यूटी में दी थी, शादी भी करवाए हम। पूरा मामला आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये वीडियो देखिए। आपने हमीर को क्या चुना शादी के लिए? वोट दिया। वोट दिया आपने हमें। अब और हमारी आपको आपको बता दें, हाँ हम आपा वो टी-शर्ट भी है। हाँ टी-शर्ट भी है। ड्यूटी में दिया था आपने। ड्यूटी में दी थी। अब शादी भी करवाए हम। और किसी से नहीं कहा शादी के लिए? किसके से कहा? सामने वाले से। सामने वाले मल्ला जी के बुढ़ाजी गोस्वामी जी। गोस्वामी जी से कहा था? अरे सबके सामने। सबके सामने कहा था? फिर गोस्वामी जी ने शादी नहीं कराई? हाँ तो फरे ही में फरे ही पिटिया चाहिए कि कौन बिरादरी चल जाए? कोई भी ले चल जाएगी, बस थोड़ा नीचे मतलब की अच्छी साफ की ना। मानवता में भेद भेद गलत बात नहीं साहब। बहन भी हमारी आपके यहाँ रात में बड़ोलिया ना मोहल्ला में। मनुष्य को मनुष्य में भेद नहीं करना चाहिए है, ऊंच नीच समझना नहीं चाहिए है। मनुष्यता का अपमान है जो मनुष्य मनुष्य में भेद समझे। आप सभी हम ईश्वर की संतान हैं, इसलिए सबको समान भाव से देखिए, है ना। अब जो आपके भाग में होगी वो लड़की आपको मिले, ऐसी मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ और मैं प्रयास करूंगा कि आपने मुझे वोट दिया है। ठीक है जी। साहब कितनी तनख्वाह है, अगर बिटिया वाले पूछे तो कब बताएं हम? सिक्स थाउजेंड खाना पीना वो खाता है। घर अपना खुद का है? तेरा बीघा खेती मिशन स्कूल के सामने। तेरा बीघा खेती मिशन स्कूल के सामने सरकारी में। तो तुम्हारे बहुत बड़े आदमी हो तुम। करोड़न की जमीन है। बात हो तो आप तो मैंने लड़की निश्चित हमें ढूंढी है। ठीक है, हाथ मिलाइए सर। सुना आपने, नजारा पेट्रोल पंप का है। कार सवार कोई और नहीं, विधायक हैं। और उनसे जो शख्स बात कर रहा है वो पेट्रोल पंप का सेल्समैन है। दरअसल ये वीडियो महोबा का है, जहां चरखारी विधानसभा से विधायक ब्रजभूषण राजपूत अपनी कार में पेट्रोल डलवाने पेट्रोल पंप पहुंचे थे। तभी पेट्रोल पंप के सेल्समैन ने उनके सामने एक प्रस्ताव रख दिया। प्रस्ताव भी ऐसा जिसे सुन खुद विधायक जी भी अपनी मुस्कुराहट नहीं छिपा पाए। सेल्समैन ने विधायक जी से अपनी शादी करवाने का प्रस्ताव रखा। सेल्समैन ने विधायक जी से कहा कि उसने विधानसभा चुनाव में उन्हें वोट दिया था और अब वह चाहता है कि विधायक जी उसकी शादी कराएं। आपने हमीर को क्या चुना शादी के लिए? वोट दिया। वोट दिया आपने हमें। अब हमारी आपको आपको बता दें, हाँ हम आपा वो टी-शर्ट भी है। हाँ टी-शर्ट भी है। ड्यूटी में दिया था आपने। ड्यूटी में दी थी। शादी भी करवाए हम। फिर क्या था, सेल्समैन की बात सुन विधायक ब्रजभूषण राजपूत अपनी हंसी रोक नहीं पाए और एक मुस्कान के साथ सेल्समैन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने सेल्समैन से जब पूछा कि भाई कितना कमाते हो, तो सेल्समैन ने बड़े ही संकोच के बाद बताया कि सर 6,000 कमाता हूँ, 13 बीघा जमीन है और पिताजी का घर है। कितनी तनख्वाह है, अगर बिटिया वाले पूछे तो कब बताएं हम? 6,000 खाना पीना वो घर अपना खुद का है?
बीघा और 13 बीघा खेती मिशन स्कूल के 13 बीघा खेती मिशन स्कूल के सामने सरकारी में, तो तुम्हारे बहुत बड़े आदमी हो तुम। जिस पर विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने कहा कि वे उसकी शादी जरूर करवाएंगे। तो आप तुम्हें लड़की नित्य तुम्हें ढूंढनी है, ठीक है, हाथ मिलाइए। फिलहाल विधायक जी ने तो सेल्समैन से वादा कर दिया है शादी करवाने का। वहीं इस घटना ने न केवल लोगों को हंसाया बल्कि विधायक और आम जनता के बीच के संबंधों को भी एक सकारात्मक रूप दिया। विधायक के इस वादे के बाद कर्मचारी और आसपास के लोग इस बात की चर्चा करने लगे कि क्या विधायक अपने वादे पर खरे उतरेंगे। हालांकि इस घटना ने साबित किया है कि राजनीतिक जीवन में भी हल्के फुल्के पल महत्वपूर्ण होते हैं। चरखारी विधानसभा के विधायक गुड्डू राजपूत और एक पेट्रोल पंप है मोरिया पेट्रोल पंप, जहां पर अपनी गाड़ी में डीजल भरवाने के लिए निकले हुए थे। यहां पर उन्होंने गाड़ी में डीजल भरवाया और इसके बाद जो पेट्रोल कर्मी है उन्होंने पेट्रोल कर्मी से समस्या पूछ ली। उस समस्या में उन्होंने ऐसी मांग मांगी रखी कि विधायक जी भी सोच में पड़ गए हैं। मामला है जो पेट्रोल कर्मी है उन्होंने अपनी शादी की बात रखी हुई है। अब शादी की बात विधायक जी से रखी है तो अब विधायक जी ने हाँ तो कह दिया है। कितने दिन में शादी होती है यह देखने वाली बात है, क्योंकि जब पेट्रोल कर्मी से बात की गई है तो उन्होंने बताया कि विधायक जी ने हमारे मोहल्ले में एक लड़की की शादी करवाई है और हमारे छोटे भाई की भी शादी उन्होंने करवाई है, इसलिए हमें इच्छा जाहिर हुई और हमने अपनी बात उनसे रखी कि हमारा भी शादी करा दी जाए। अब देखते हैं कि विधायक जी कब तक इनकी शादी करवाते हैं। गुलाब सिंह कुशवाहा, GMB न्यूज़, महोबा।